दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए साल 2016 अच्छा रहेगा। आपको तरक्की के अनेक अवसर मिलेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर बिल्कुल टिके रहें। हालांकि आपको काफी चुनौतियों का सामना करना भी पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से सभी परेशानियों का हल आसानी से निकाल लेंगे। जहां तक प्रेम संबंध की बात है, आपके लिए जो साल है बेहद सुखद रहेगा और जो लोग मैरिड हैं उनके संबंध गहरे होंगे। आपको प्रेगनेंसी की न्यूज भी मिल सकती है। जो लोग अनमैरिड हैं वे नए संबंध में बंधेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्टनर से अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल ना छुपाएं। प्रोफेशन के लिए जो साल है काफी अच्छा रहेगा। आपको आपके ऑफिस में प्रमोशन भी मिलेगी। अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल का जो टाइम है, स्टार्टिंग टाइम, वो बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए काफी अच्छा है, लेकिन अप्रैल से पहले आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। अप्रैल का जो स्टार्टिंग टाइम है, अगर आप तब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिजल्ट्स आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल काफी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी इंटेलिजेंस को, अपने स्किल को इफेक्टिवली यूज करना होगा ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आपकी सोशल लाइफ भी काफी अच्छी रहेगी। आपके जो रिलेशंस हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, वो मधुर होंगे। आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ भी कोई गेट टुगेदर प्लान कर सकते हैं, इससे आपको मेंटल पीस मिलेगा। जहां एक तरफ परिवार में खुशियां रहेंगी, वहीं आपका पार्टनर भी आपसे खुश और संतुष्ट रहेगा। परिवार आपके एफर्ट्स को सपोर्ट करेगा और आपका जो साथी है वो सुख में दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। ट्रेवल पर आते हैं, ट्रेवल की बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर आउट ऑफ इंडिया जाकर प्लान कर रहे हैं, वो होम कंट्री में रहकर अपनी फर्दर स्टडीज के लिए प्लान करें। और जो बिजनेस में है उनके लिए अब्रॉड एक्टिविटी के लिए साल काफी अच्छा रहेगा। आपको इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिप के भी चांस मिल सकते हैं। हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में जो साल है आपके लिए मिला जुला साल रहेगा। मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन आपके स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव डाल सकते हैं, इसीलिए पॉजिटिव वाइब्स को अपने आसपास क्रिएट करें और पॉजिटिव थॉट्स रखें। जुलाई के महीने में, सितंबर और दिसंबर, इन टाइम में, इस टाइम पर नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे। हालांकि एनर्जी वाइज आप पूरा साल एनर्जेटिक फील करेंगे। ॐ नमः पतये नमः।